क्रिकेट के वो किस्से जो कोई नहीं बताएगा, अनऑफिशियल एम्पायर आपके लिए लेकर आएगा। हाय गाइस, मैं हूं शाहरुख खान और इस वक्त आप देख रहे हैं अनऑफिशियल एम्पायर प्रेजेंट सिली पॉइंट। वैसे इस बार के क्रिकेट लीग में कमाल के मैचेस हो रहे हैं, लेकिन कल का मैच देखने के बाद में ये बात तो तय हो गई कि जिस तरह से दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की ठगाई हो रही है, अब कायदे से दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर दिल्ली रख देना चाहिए। एकदम सही बात बोल रहे हैं शाहरुख भाई आप। माँ कसम कल गंभीर को देख के मेरे को ऐसा लगा ना कि जैसे इसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो रहा है, और ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी टाइप की इनिंग खेलेगा। लेकिन माँ कसम खाली 4 रन बना के ऐसा वापस गया ना, मेरे को लगा जैसे बीच ग्राउंड में इसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया हो, बेबी आई एम अलोन का आयला, ऐसा वापस गया। ऐसा होता है क्या नवाज? मतलब गुरु तुम्हारी बात में दम है, समझते हो ना? लेकिन गुरु, तुमने युवराज सिंह को देखा? मतलब युवराज को देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन हेजल भाभी इसको मजदूरी कराती है, और शाम को बोलती है कि जाओ बेटा युवराज क्रिकेट खेलो, समझते हो ना? अबे इतना सुस्त काय को रहता है अबे? बेटा काम करो युवराज सिंह, तुम बेटा कुछ लो, समझ लो, वरना फिनिश। फिनिश का मतलब समझते हो ना? कमाल करते हो यार। वैसे कल के मैच में मैंने एक चीज गौर की, पंजाब की टीम को जीत से रोकने के लिए दिल्ली की टीम ऐसे डटी थी जैसे जीजा को दरवाजे पे रोकने के लिए सालियां खड़ी होती हैं। कमाल करते हो यार। हद की बात तो यह है कि पंजाब के हर मैच में जितनी कैलोरीज प्रीति सेंटा बर्न करती है उसका आधा भी युवराज सिंह बर्न कर दे तो पंजाब की टीम मैच जीत जाए। जबान को लगाम दे, चीता सिंह का गुस्सा कहीं तुझे जलाकर राख ना कर दे। हे डैनी साहब, गुस्सा नहीं करते, चिल। हा? वैसे कल के मैच में हर कोई ये पूछ रहा था कि क्रिस गेल कहां गया, गेल कहां गया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यारे क्रिस गेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और उन्होंने कहा है कि मंदिर वहीं पर बनाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ओके ये देखिए भाई, कल के मैच में जैसी छीछा लेदर दिल्ली की टीम की हुई है, केजरीवाल साहब खुद को रोक नहीं पाए और यहां पर खींचे चले आए, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, गुनाह है ये। धन्यवाद जी, दिल्ली की जनता का शोषण हो रहा है, दिल्ली क्रिकेट टीम का भी शोषण हो रहा है जी। इस लीग में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, इसके पीछे मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी, मैं केजरीवाल हूं, छोड़ूंगा नहीं। अबे केजरीवाल, तू पागल हो गया है क्या? भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगले मैच में दिल्ली की टीम का जीत की नहीं रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी, और हमारी सरकार उनका रेस्क्यू जरूर करेगी। बोलो भारत माता के। अबे जय तो बोलो बे। हाय गाइस, दिस इज आमिर खान हियर। कल का मैच मैंने भी देखा, बहुत मजा आया। बस मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब भी मैं गौतम गंभीर को देखता हूं तो उसके चेहरे को देख के लगता है कि वो इस देश के जितने भी फूफा हैं उनका सरदार है। यार इतना मुंह कौन फुलाता है यार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछने के लिए आया हूं। बताओ लाफिंग बुद्धा का अपोजिट क्या होता है? बताओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। नहीं पता, मैं बताता हूं, गौतम गंभीर। क्या क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाया। कल का मैच मैंने भी देखा, वहां दिल्ली की टीम हारी और यहां लौंडे गालियां देते घूम रहे थे कि दद्दू बर्बाद हो गए। मैंने पूछा क्या हुआ तो पता चला लौंडे सट्टा में पैसा हार गए हैं। अरे भाई, मुझे तो ये लगता है कि ये क्रिकेट लीग सटोरियों का मनरेगा है। तभी कहता हूं ही इज द बेस्ट, नाइट राइडर्स ही इज द बेस्ट। और वैसे भी मेरी दिल्ली की टीम को एक सलाह है,
अगर वो अगला मैच जीतना चाहते हैं तो ये चार खिलाड़ी अपने पास जरूर रख लें। कमाल की बैटिंग करते हैं, शायद आपकी टीम जीत जाए। पहले से दुगना अनोखा मजा आएगा, बॉलीवुड तड़का गेम में लग जाएगा, बहुत सारी मस्ती और ज्यादा फायर ले आया अनऑफिशियल एम्पायर।